मंचर झील पानी से मुकम्मल तौर पर भर गई है। झील के पुश्तों पर पानी का शदीद दबाव बरकरार है। झील के अतराफ में कई देहात जेरे आब आ गए हैं। इसी पूरे बारे में बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, बताएगा सूरत हाल क्या है, जो इंतजाम किए गए थे, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, क्या आबादियाँ खाली करा ली गई हैं और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो बताइएगा। अब देखिए, इंतजाम तो यकीनी तौर पे यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन जब हमने सूरत हाल का जायज़ा लिया है, इलाका मकीनों से बात की है, उनका ये कहना है, उनका ये शिकवा है कि इंतजाम ताखीर से किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर की जानब से इंतजाम हों या फिर इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानब से इंतजाम हों, कोशिश की जाए कि बंद को मजबूत किया जा सके, किसी तौर पर बड़े बड़े पत्थर रखे यहाँ पर उसको इंतज़ाम किया जा सके पानी का रोकने का, इलाका मकीन कहते हैं उसमें खासी ताखीर का सामना रहा है, जिसकी वजह से आज जो RD-62 जो यहाँ पे 54 से लेकर 58 तक के जो बंद है वहाँ पे शदीद दबाव का सामना है। और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं, इलाका मकीन बताते हैं कि यहाँ पे ये सूरत हाल माजी में कभी नहीं देखी गई है, जिस कदर तेज़ी से यहाँ पर पानी आ रहा है और जिस प्रेशर से यहाँ पर पानी आ रहा है, ऐसा मंजर है कि समंदर की तेज़ लहरें हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर एक गेट बनाया गया है जिससे बाकायदा यहाँ से पानी का अखराज हो सकता है किसी भी हंगामी सूरत हाल में, अब वो जो है वहाँ से पानी किसी हद तक अब ओवरफ्लो हो रहा है। इसी वजह से हमने देखा है कि मंचर झील तो पूरी चुकी है, लेकिन अतराफ में जो मुख्तलिफ देहात हैं वो जेर आब आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर झांगारा बाजारा जो ये इलाके हैं ये जेर आब आ गए, और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो इलाका मकीन उनको परेशानी का सामना है। बहुत तादाद ऐसी है जो इस स्पॉट से जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो करीबी गाँव देहात है वहाँ के लोग नकल मकानी कर रहे हैं, सामान अपना लेके वापस जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ कई किलोमीटर दूर तक जो इलाके हैं वो पानी में नजर आए हैं, फसलें पानी में डूबी नजर आई हैं, मवेशी जो तैरते हमें नजर आए हैं, तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बताई जा रही है। इसके टेक्निकल रीजन ये भी हैं कि जो यहाँ पे पानी की आमद है वो लगभग 30,000 क्यूसिक्स है, और इसके साथ साथ जो यहाँ से अखराज हो रहा है वो 15,000 क्यूसिक्स का है, तो यकीनी तौर पे 15,000 क्यूसिक्स का डिफरेंस है जो कि यहाँ पे पानी के दबाव को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यह सूरत हाल अगर मजीद सिलसिला जारी रहता है, खासतौर पर आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है, अगर ये सूरत हाल जारी रहती है और में दबाव बढ़ता है तो यकीनी तौर पे बंद को बड़ा नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसमें ना सिर्फ शिगाफ पड़ सकता है बल्कि ये टूट भी सकता है। इससे ना सिर्फ अतराफ के जो गांव देहात है वो बल्कि सेवन शरीफ जो शहर है उसको भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसीलिए यहाँ पे हम देखना है कि यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनको तो खाली कराया जा रहा है, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पाक फौज के और रेंजर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं सूरत हाल में यहाँ पे कि किसी भी शख्स को रोका जा सके, और यही रिक्वेस्ट की जा रही है लोगों से कि यहाँ से जल्द जल जो लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के मकीन हैं, वो यहाँ से निकाल के सामान अपना जो है नकल मकानी शुरू कर दें। और यहाँ से बहुत सारी फैमिलीज हमने जाती हुई देखी भी हैं, लेकिन चूंकि बारिश है तो रुके हुए सिंध में खासा तकरीबन 2 हफ्ते लगभग हो चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हुई थी बारिश, लेकिन मजमूई जो बारिश है वो रुके हुए टाइम हो गया है। लेकिन ये जो पीछे से सैलाबी रेलों के आने का सिलसिला जारी है ये लोगों में खौफ फैला रहा है, और साथ साथ बड़ी तशवीश की बात भी है क्योंकि मंचर लेक जो है बहुत ही तवील एक लेक है, लेकिन इसमें पानी का जो बहाव है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इसी पानी के बहाव की बढ़ने की वजह से पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। मोनिस, इस तरह आपने ये भी कहा कि आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है, और ये बताएगा कि इर्द गिर्द के दो इलाके हैं, इनकी आबादी कितनी है और किस हद तक इनखला जो है वो मुमकिन हो चुका है, और साथ ही ये भी बताएगा कि क्या लोग अपनी मदद आपके तहत इनखला में मशरूफ हैं या जो यहाँ पे हुकूमती इदारे हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं जो लोगों को गाइड ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि डिप्टी कमिश्नर की टीम यहाँ पर मौजूद हो ज़िला इंतज़ामिया की या फिर इरीगेशन डिपार्टमेंट, अगरचे उनका बराह रास्त काम नहीं है लोगों का इवैक्यूएशन, लेकिन इंतज़ामिया कम नज़र आ रही है इस मामले में। अतराफ में कई देहात हैं, दर्जनों देहात हैं, कुछ देहात हमें पानी की सतह बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से इनखला पर मजबूर हैं, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम नहीं की जा रही, किसी के पास छोटी गाड़ी है, कोई जो ट्रॉले हैं उनमें भर सामान, चारपाइयां, घर का जरूरी सामान, नहीं लोग अपनी मदद आपके तहत ज्यादा जो है वो यहां से इनखला पर मजबूर हैं। मोनिस, आपने तफसीर लगा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो मंचर झील के सैलाबी पानी ने बड़ी तबाही मचा दी है, जिसके बाइस 50 से ज्यादा मकानात गिर गए। मजीद जानते हैं सेवन में आसिफ अली मेमन से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंचर झील के किनारे पर वजीर आला सिंध की अबाई यूनिट काउंसलर वाहुड के गांव यूसुफ जमाली में मौजूद हूँ। इस वक्त मंचर झील के सैलाबी पानी की वजह से ये गांव मुकम्मल तौर पर जेर आब आ चुका है। गांव के तकरीबन 100 से जायद देहात घर जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं। इलाका मकीन बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ एक देहाती मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अभी उनके साथ क्या गुजर रही है। भाई आप देख रहे हैं ये हमारा इलाका है, ये यूसीवाड़ा है, सीएम सैद मुराद शाह का हलका है। हमारे साथ जुल्म है, हमारे सारे ये गांव डूब चुका है पानी में, ये बारिशों से हमारे घर तबाह हो चुके हैं। आज तक हमारे साथ कोई पूछने नहीं आया। हम सीएम साहब से अपील करते हैं, खुदा रहा हम आपके वोट रहे, हम पर रहम करो, हमारे बच्चों पर रहम करो। हम अरे सारे घर गिर गए हैं, कुछ राशन नहीं मिला, कोई हमारे से पूछने आज तक नहीं आया, कोई बंदा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। हम हाथ बांधते हैं, हम मिस्कीन हैं, हम पर हाल पर रहम करो खुदा रहा, हम कहाँ जाएं, हम किसको कहें। आपने यहाँ के मकामी देहातियों की बात सुनी, उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन्हें खाने के लिए राशन फराहम करके उनकी मदद की जाए। जी तो वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने जमा होने वाली इमदाद का ऑडिट कराने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी सदर का पैकेज दोनों ममालिक की बेमिसाल दोस्ती का आकाश है। इस रकम से सैलाब ज़दगान को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मदद मिलेगी। जबकि शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि सैलाब ज़दगान के लिए मिलने वाली अंदरूनी और बैरूनी इमदाद का ऑडिट कराया जाएगा। शफाफियत बरकरार रखने के लिए कौम के सामने मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सैलाब से मुतासर शाहराहों और पुलों की तामीर व बहाली का काम तेज़ी से जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुखालिफीन जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही डटकर मुकाबला होगा। एक कॉल दी तो इन्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीर फरोशों और लोटों के दिन ख़त्म हो गए, इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत संभालने में नाकाम हो गई, कोई भी पाकिस्तान में सरमाकारी करने के लिए तैयार नहीं है, फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मसाइल से निजात का वाहिद रास्ता है। इमरान खान बहावलपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। इंशाल्लाह जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, ज़मीन फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो चार महीने में हुई है। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी तैयार हो जाओ, इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। मैं अपनी कौम के सामने अब रोड मैप देता हूं, 5 साल के लिए अगर हुकूमत आएगी उससे सियासी इस्तेकाम होगा कि मैं पूरा प्लान बना रहा हूं कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस तरह उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाएं। तुम्हारी गवर्नमेंट सुन लो, जो भी तुम्हारे पीछे सुन लो, एक चीज ये कौम जानती है कि जितना आप मुझे डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे उतना और मैं मुकाबला करूंगा। पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी है। ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हम घबरा के पीछे हट जाएंगे। एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। अभी भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि पिछली टेलीथॉन में टाइम कम था, पैसे देने चाहते थे। इंशाल्लाह उनके लिए मैं अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करूंगा। तो दूसरी जानी मरियम औरंगजेब का कहना है कि कौम सैलाब में और इमरान खान अपनी अना में फंसे हुए हैं। उन्होंने करप्शन में मुकदमा से बचने के लिए तहरीक फसाद शुरू की। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहना है कि इमरान खान ने 4 साल क्या किया और बातें क्या करते रहे। वो पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतजामी निज़ाम चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, जबकि पीटीआई चेयरमैन की मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश नाकाम हो चुकी है।
सबको इंतजार है एशिया कप का बड़ा मुकाबला जो आज होने जा रहा है। शाहीन एक मरतबा फिर अपने रिवायती हरीफों का सामना करने जा रहे हैं। आज के मैच के लिए अहले वतन पुरजोश हैं और आस लगाए बैठे हैं कि फतह शाहीनों की ही होगी। इस्लामाबाद से अहवाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा जी। बिल्कुल, एशिया कप में एक मरतबा फिर आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है। एशिया कप के सुपर फोर मरहले का आगाज़ हो चुका है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया एक मरतबा फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। इससे पहले कौमी टीम को जो है भारत से एक मैच में शिकस्त हुई थी, ताम हांगकांग से जीत के बाद शायकीन क्रिकेट खुश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक क्रिकेट ग्राउंड में, यहाँ पर शायकीन क्रिकेट से उनके तासरात जानेंगे। ये बताइएगा कि आज के मैच के हवाले से कितने पुरुद है और कौन से खिलाड़ी से आपको ज़्यादा वक्त है? पाकिस्तान पे 100% यकीन है, इस बार इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हांगकांग के खिलाफ 194 किया था, इस बार 294 करेंगे और नसीम शाह इस बार फिर बहुत अच्छा खेलेंगे। आप किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं और कौन सा आपका फेवरेट खिलाड़ी है? बेसिकली बैटर में तो मेरा बेस्ट खिलाड़ी बाबर आजम है। तो लोगों का तसरात ये है कि बाकी दो मैच में उनकी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन इंशा इंडिया के खिलाफ करके दिखाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। आप ये बताइए कि शाहीन अफरीदी मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी कितनी कमी आप महसूस कर रहे हैं और उसकी कमी कौन पूरा करके दिखाएगा? जी, शाहीन अफरीदी को हम जाहिर सी बात है मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हमारा डायमंड था जो कि हमें परफॉर्म कर रहा था, और अभी हम नसीम शाह हमारी उसकी कमी हमें वो नहीं होने दे रहा, कम नहीं हो रही उसकी कमी। शायकीन क्रिकेट के तासरात आपने जान लिए, खसूसन उभरते हुए सितारे नसीम शाह के से लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है और शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है कि इस मरतबा जीत पाकिस्तान की होगी। जी, महकमे मौसमियात ने मुल्क के बलाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में मौसम गर्म और मजबूत रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फौजिया अली से। जी फौजिया, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बाईस कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 से 4 रोज तक बारिश बरसने का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, इन इलाकों में है बारिश बरसेगी और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्के है। इसके अलावा बालाए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश बरसने का इम्कान है। नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहिस्तान और मुख्तलिफ इलाके जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है इन 3 से 4 रोज के दौरान। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इन बारिशों के बाद जो है सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तहम मुल्क के दीगर हिस्सों की बात की जाए, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के इलाके हैं, आइंदा 3 से 4 रोज तक मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। जी,